अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी और क्या? अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना है, इतनी मैगी कौन खाएगा भैया? काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना ना पड़ता, बस हो जाता। भाई खाली एक्सप्रेशन से बताना गर्मी में कौन सी चीज से सबसे ज्यादा आराम मिलता है? नींबू पानी, गन्ने का जूस, लस्सी, बीवी के मायके जाने से? म्यूजिक बस गया। यहाँ ना अपनी हद से ज्यादा खुशी और गम किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है जनाब। ये आपकी हद से ज्यादा खुशी पर नजर लगाती है और आपके हद से ज्यादा गम नमक लगाती है। दो औरतें आपस में बात कर रही होती है। पहली औरत पूछती है कि तुम्हारी बहू कैसी है? तब दूसरी औरत कहती है कि बहू तो बहुत बुरी है, रोज लेट उठती है, घर का कोई काम नहीं करती, रोज मेरा बेटा उसको चाय बना के पिलाता है। और तो कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं हूँ, मैं पैदा ही सुंदर हुई हूँ। अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। मुझे भूख नहीं है, सारी कर ली थी मैंने। जब तुम इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे, असल जहर। जब तुम ये सती सावित्री बनके घूमती हो ना आगे। सो ये वीडियो स्पेशली सासू माओं के लिए, जिस तरीके से माँ के बिना मायका नहीं है, कोई माने या ना माने, सास के बिना ससुराल भी नहीं है। सुना है झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है, फिर क्या था, ईंट मार कर आ गई, आता ही होगा मुझे आई लव यू बोलने के लिए। नहीं पागल थे जो मोहल्ले भर में झंडोरा पिटाई कि मेरे पति देव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? अब तुमको ही देख के सांसें चलती सनम, मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियां छोड़ चली आंगन में मई तू में पायल जिस उम्र में झुकने पर। अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या? इश्क समझो या कब्जा, तुम सिर्फ मेरे हो। चन्ना वे गल सुन मेरी, पे मैं ता होगी तेरी। नहीं सही आ रहा, सही आ रहा। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे। तो ये वीडियो स्पेशली सासू माओं के लिए, जिस तरीके से माँ के बिना मायका नहीं है, कोई माने या ना माने, सास के बिना ससुराल भी नहीं है। बहुत करीब से परखा इस दुनिया को, यहाँ इंसान नहीं उसका वक्त बोलता है।